हेलो स्टूडेंट्स आर यू आई एम योर कंप्यूटर टीचर प्रकाश श्रीवास्तव और आज हम नए चैप्टर के बारे में जानेंगे चैप्टर सेकेंड स्टूडेंट लेट स्टार्ट द चैप्टर सेकेंड एंड स्टूडेंट यू कैन सी ऑल्सो गिवन हेयर द चैप्टर सेकेंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सेवन The control panel. It means today we will know about the Windows Seven and its control panel. So, student, you can see on the screen the chapter second. This is uh, here given the chapter second, Microsoft Windows Seven here. So you know कंप्यूटर हैज़ द वेरियस पार्ट्स यानी कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और जो सी पी यू के द्वारा जो है कंट्रोल किए जाते हैं जैसा कि हम देख सकते हैं कि सी पी यू जो है जैसे जानते भी हैं कि एज वी नो सी पी यू इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड इट कैन बी कंट्रोल बाई इट वी कैन कंट्रोल Uh, the all the parts of the computer it may the hardware and the software. The student you can see here. Though also the same way Windows Seven has the various features and uh, you can say and the software which are controlled by its con central controlling unit. मतलब ये कह सकते हैं कि विंडोज़ सेवेन के बहुत सारे फीचर्स भी होते हैं और सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो सेंट्रल कंट्रोलिंग यूनिट के द्वारा जो है उसे कंट्रोल किया जाता है जिसको हम कंट्रोल पैनल के नाम से जानते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि कंट्रोल पैनल जो है वो विंडोज़ सेवन का दिया हुआ है जिसमें हम देख सकते हैं कि जैसा नाम से ही मालूम होता है कंट्रोल कंट्रोल का मतलब होता है कि मैनेज करना उसे हम किसी तरीके से अपने अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट कर सकें अपने नीड्स के अकॉर्डिंग उसे जो है हम अप्लाई uh, कर सकें तो यहां पे देखते हैं कि एक डायलॉग बॉक्स है जिसको हम कंट्रोल पैनल डायलॉग बॉक्स कहते हैं यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हियर स्टूडेंट हाउ कैन वी ओपन इट वेरी सिंपल यू कैन क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एंड गो थ्रू हियर द कंट्रोल पैनल ऑप्शन हियर तो इस तरह आप जो है कंट्रोल पैनल ओपन कर सकते हो और यहाँ पर क्या होता है कि एक ये डायलॉग बॉक्स है जिससे आप विंडोज़ सेवन ऑपरेटिंग सिस्टम के जो सारे फ़ीचर्स को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो उसके अलग अलग सेटिंग्स को चेंज भी कर भी कर सकते हो तो यहाँ पे जो कंट्रोल पैनल है वो विंडोज़ के बहुत सारे कमांड्स और फीचर होते हैं जिसमें आप अलग अलग ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ते हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंट्रोल पैनल को जब आप ओपन करते हो तो आपको ये डायलॉग बॉक्स दिखाई पड़ता है और इसमें आप देख सकते हो कि बहुत सारे यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहे हैं जैसे सिस्टम एंड सिक्योरिटी है नेटवर्क एंड इंटरनेट है हार्डवेयर एंड साउंड प्रोग्राम्स यूजर एंड अकाउंट फैमिली सेफ्टी अपियरेंस क्लॉक लैंग्वेज एंड reasons and ease of the access so here are the some uh, settings we can change we can uh, adjust according to our the needs here and it is a given here the category so it is a uh, you can say default view by here the category and here you can see in the full mode of the given in the figure आप ये फिगर में भी देख सकते हो कि यहाँ पे सारी चीज़ें जो है आपको फिगर्स में दिखाई गई हैं और एक एक करके इसे समझाया भी गया है बताया भी गया है जिसे आप यहाँ पे देख सकते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट कंट्रोल पैनल डिस्प्लेड इन द कैटेगरी व्यू यानी कि जब आप कंट्रोल पैनल ओपन करते हो तो बाय डिफॉल्ट जो है वो आपको कैटेगरी व्यू में ही दिखाई पड़ेगा और जैसा कि यहाँ पे टोटल एट कैटेगरीज यहां पे दिखाए गए हैं और एट कैटेगरीज आप जब काउंट करोगे तो यू विल गेट हियर द एट कैटेगरीज़ एंड वन बाय वन यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट दिस the system एंड सिक्योरिटी सिस्टम सिक्योरिटी का क्या रोल होता है वो क्या काम करता है जैसा कि सिस्टम सिक्योरिटी मतलब आप कह सकते हैं विंडोज सेवन की एक सिक्योरिटी सिस्टम है जिससे आप ओवरऑल ऑपरेशंस की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो मतलब उसके थीम चेंज कर सकते हो उसके अपेयरेंसे या उसके जो है कुछ ऐसे एक्सेस होते हैं जो आप उसको उसमें कंट्रोल कर सकते हो नेटवर्क एंड इंटरनेट का मतलब है कि आप यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शंस जो है अलग अलग जो है कंप्यूटर से अटैच जो डिवाइसेस हैं उनको आप जो है कनेक्ट कर सकते हो इट इज़ यूज़ फॉर द सेटिंग द इंटरेक्शन बिटवीन द वेरियस कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर हेयर तो ये कह सकते हैं कि नेटवर्क ये आपका जो आइकन है वो नेटवर्क और इंटरनेट से रिलेटेड होता है जब आप कभी इंटरनेट या कनेक्टर कनेक्ट connect करते हैं मॉडर्म कनेक्ट करते हैं तो आपको इंटरनेट कनेक्शन के लिए जो है सेटअप यहीं पे बनाना पड़ता है यानी आप जब नेटवर्क या इंटरनेट आइकन्स पे क्लिक करोगे तो जो आपने अटैच किया अपने कंप्यूटर से वो आपको डिवाइसेस यहीं पर दिखाई पड़ेगा नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्डवेयर एंड साउंड के बारे में तो यहाँ पर आप जो है ऑल हार्डवेयर डिवाइसेज जो आप कंप्यूटर से अटैच करते हैं चाहे वो प्रिंटर हो या प्लाटर हो कीबोर्ड हो माउस हो वे सारे डिवाइसेज जो हैं आप यहाँ से कंट्रोल या उसकी सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हो चेंज कर सकते हो जैसे साउंड के है साउंड की कंट्रोलिंग भी आप यहीं से कर सकते हो फिर आते हैं हम प्रोग्राम्स पर तो प्रोग्राम्स पर देख सकते हो कि इट इज़ यूज़ टू तो इंस्टॉल और अन इंस्टॉल प्रोग्राम्स ऑन द कंप्यूटर यानी आपने कोई सॉफ़्टवेयर अगर आपने इंस्टॉल किया है तो उसे आप यहाँ से अन इंस्टॉल कर सकते हैं मतलब यहाँ पे जो भी आपने इंस्टॉल किए हैं वो आपको यहीं पर दिखाई पड़ते हैं यानी आप यहाँ पे वो सॉफ्टवेयर को देख सकते हो जो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल है और आप उसे चाहते हो तो आप उसे अनइंस्टॉल कर सकते हो फिर यूजर अकाउंट्स एंड द फैमिली सेफ्टी यानी इट इज़ यूज्ड टू मैनेज द वेरियस यूजर्स एंड द स्टोर्स दियर प्रेफर्ड प्रेफर्ड सेटिंग्स मतलब आप ये चाहते हो कि आ, कोई हमारा जो है सिस्टम्स को जो है वो इंटरप्ट ना कर सके या हमारे सिस्टम में इंटरफेरेंस ना कर सके तो हम यहाँ पे लॉग इन या हम उसे जो पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम अपना एक अलग अकाउंट बना सकते हैं फैमिली का अलग जैसे हम अपने दूसरे फ्रेंड्स के लिए अलग अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं तो इसका मतलब एक फैमिली अकाउंट होता है जो आप यहाँ से सेटिंग्स बना सकते हो फिर अपेरेंस की बात करें तो अपेरेंस जो होता है वो विजुअल इफेक्ट्स होते हैं जैसे कलर है थीम है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो जिसको हम अपियरेंस कहते हैं क्लॉक लैंग्वेज एंड रीजन क्लॉक लैंग्वेज एंड रीजन का मतलब है कि आप जो है क्लॉक की सेटिंग्स लैंग्वेज की सेटिंग्स जो है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो जैसे आपको जो आपका रीजनल है लैंग्वेज जैसे इंग्लिश है या हिंदी है या जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो क्लॉक की टाइमिंग और जो डेट टाइमिंग है उसको आप यहाँ से इस आइकन से एडजस्ट कर सकते हो फिर ईज़ ऑफ़ एक्सेस की बात करें तो ईज़ ऑफ एक्सेस का यूज़ जो है हम एबल्ड यूज़र के लिए किया जाता है जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे इनबिल्ट फीचर्स होते हैं इनबिल्ट का मतलब वो जो पहले उसमें से ऑलरेडी हैं जैसे टैक्स टू स्पीच है जब आप बोलोगे तो ऑटोमेटिकली ये टेक्सट लिखना स्टार्ट कर देंगे जैसे इनपुट ऑप्शनस है जैसे इनपुट ऑप्शन का मतलब है जैसे आप माउस को देख सकते हो जो ऐसे ऑप्शन जो आपको यहाँ पे इनबिल्ट मिलते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं चेंजिंग डेट एंड टाइम सेटिंग्स पर यानी कि हम किस तरह से अपने कंप्यूटर की डेट और टाइम को चेंज कर सकते हैं तो वेरी सिंपल पहले हम कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे आपको बताया कंट्रोल पैनल ओपन करने के लिए क्या करेंगे स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद हम क्लॉक कंट्रोल पैनल पे जाएंगे और कंट्रोल पैनल पे जब क्लिक करेंगे तो दिस विंडो विल बी एपियर्ड ऑन द स्क्रीन एंड वी क्लिक ऑन द हियर द डेट एंड आई मीन ही इज़ गिवेन द क्लॉक लैंग्वेज एंड रीजन तो यहाँ पे इस तरीके का एक आइकन है उस पर जब आप क्लिक करोगे तो जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ये अनदर डायलॉग बॉक्स विल बी अपियर दूसरा डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जिसपे डेट एंड टाइम की आइकन एक बना होगा जिसपे आपको क्या करना है आपको इसी आइकन पर क्लिक करना है जैसे यहाँ पे सेट द टाइम एंड डेट तो सेट एंड द टाइम एंड डेट पर आप क्लिक करोगे जैसे ही क्लिक करोगे इस तरीके का आपका एक विंडो अपीयर होगा इस विंडो पे आप देख सकते हो चेंज डेट एंड टाइम है जहाँ से आप डेट डेट और टाइम को चेंज कर सकते हो तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे इस तरीके का नेक्स्ट विंडो अपीयर होगा जिसमें आपको डेट यहाँ पर है जो करंट ईयर है करंट आपको मंथ भी दिखाई पड़ेगा ठीक है और इस करंट डेट भी है तो आप जो करंट डेट है अकॉर्डिंग टू द करंट डेट एंड करंट मंथ करंट ईयर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे फिर टाइम की सेटिंग्स है टाइम एडजस्ट करोगे यहाँ पे टाइम आप जो है एडजस्ट करने के बाद आप एम पी एम को भी एडजस्ट करोगे और फिर उसके बाद देन यू विल क्लिक ऑन द ओके बटन जैसे ही आप ओके बटन क्लिक करोगे आपका डेट और टाइम जो है अकॉर्डिंग टू द करेंट डेट एंड टाइम विल बी एडजस्ट चेंज इन टाइम जोन चेंजिंग टाइम जोन का मतलब है जिस हम जोन में रहते हैं जैसे हमारा इंडिया है हमारा टाइम जोन यहाँ के हिसाब से जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं जैसे चेन्नई कोलकाता मुंबई दिल्ली तो इसके अकॉर्डिंग हम पूरे देश भर में पूरे होल कंट्री अकॉर्डिंग टू डेट टाइम जो है हम उसको एडजस्ट करते हैं तो यहाँ पर उसके लिए हम चेंजिंग टाइम जोन पर चलते हैं तो चेंज टाइम जोन पे जाने के बाद जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको इस तरीके का एक आइकन एक विंडो एपियर होगा जिसमें आपको ड्रॉप डाउन बटन है जहाँ के अकॉर्डिंग अगर मान लो कोई दूसरे कंट्री का पर्सन है वो अपने अकॉर्डिंग जो है अपने देश के अकॉर्डिंग जो है कंट्री वाइज के अकॉर्डिंग टाइम जोन लगाना चाह रहा है तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ देख सकते हो जैसे यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हुए हैं काठमांडू है ढाका ढाका है बैंकॉक है, है तो अपने अकॉर्डिंग देश के अकॉर्डिंग अपने कंट्री के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं अपने सिटी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम ओके okay पे क्लिक करेंगे हमारा टाइम जोन अप्लाई हो जाएगा फिर हम आते हैं हम एक अपने कंट्री के साथ साथ अपने टाइम जोन के साथ साथ दूसरे कंट्री के टाइम जोन को भी हम रख सकते हैं हम ये जानना चाहते हैं जैसे इंडिया में जो है वो इस समय सपोज सब, करिए कि सुबह के साढ़े छः बजे हैं तो अमेरिका में क्या बजा होगा यानी अमेरिका में क्या टाइम हुआ होगा तो हम एक साथ दो टाइम जोन को ऐड कर सकते हैं तो उसके लिए हमें एडिंग क्लॉक ऑफ फॉर डिफरेंट टाइम जोन पे जाना पड़ता है और वहाँ पे हम एडिशनल क्लॉक पे क्लिक करते हैं कैसे हम जाएंगे वैसे ही जैसे डेट एंड टाइम जोन पर गए थे यहाँ पर हमें एडिशनल क्लाट क्लॉक्स मिलते हैं एडिशनल क्लाक पर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर इस तरीके के शो दिस क्लॉक पर टिक करना पड़ता है यानी ये एक टिक बटन होता है यहाँ पे हम जो है इसको टिक करेंगे और जैसे ही टिक करने के बाद यहाँ पर हम सेलेक्ट टाइम जून करेंगे एक साथ यहाँ पे देखो यू एस एंड कैनाडा दो दिखा रहा है दो सिटी यहाँ पर आपको दिखाई पड़े हैं यानी कि वर्ल्ड के दो शहर कोई भी दो शहर आप इसमें ऐड कर सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे जो डिस्प्ले करेगा वो शिकागो का यानी यूएस का एक बहुत बड़ा शहर शिकागो है और फिर इसके बाद हम यहाँ पे शो द दिस क्लॉक यहाँ पे हम चेक मार्क पे क्लिक करेंगे फिर इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे शिकागो के से रिलेटेड जो है ये कुछ ऐसे और भी शहर है जैसे डबलिन है एंडिनबर्ग है लिस्बन है लंदन है ये हम यहाँ पे जोन सेलेक्ट कर सकते हैं और एंटर द डिस्प्ले नेम क्या होगा जी यानी ग्रीन मेरेडियन टाइम और फिर इसके बाद हम ओके करते हैं जैसे ही हम ओके करते हैं तो हमारे साथ साथ जो है आपके कह सकते हैं, हमारे क्लॉक हमारे रीजन टाइम के साथ साथ हमारे दूसरे जो हमने सिटी को ऐड किया है वहाँ भी हमें ये दिखाई पड़ता है तो इस तरह हम एडिंग रीजन एडिंग कह सकते हैं क्लॉक डिफरेंट टाइम जोन्स को हम ऐड कर सकते हैं फिर हम अपडेटिंग की बात करते हैं कि क्लॉक को हम कैसे अपडेट करें इफ़ यू डोंट नो द व्हाट इज एग्जैक्ट टाइम ऑफ द करेंट टाइम एंड तो हम क्या कर सकते हैं इंटरनेट की मदद ले सकते हैं यानी इंटरनेट से हम करेंट टाइम को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं तो विंडोज सेवन ऑल्सो गिवस एन ऑप्शन टू अपडेट योर सिस्टम क्लॉक ऑटोमेटिकली विद एन इंटरनेट टाइम सर्व हो तो दिस ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर द इंटरनेट टाइम टैब तो कैसे जाएंगे हम यहाँ पे आप डेट एंड टाइम पे जैसे आपने डायलॉग बॉक्स ओपन किया है यहाँ पे एडिशनल क्लॉक के बगल में एक इंटरनेट टाइम टैब है इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे हमें नज़र आएगा चेंजिंग सेटिंग्स पर तो आप चेंजिंग सेटिंग्स पे यहाँ पे जाकर जैसे ही क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली जो इंटरनेट से कनेक्टेड होगा वो टाइम एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली बट योर योर कंप्यूटर शुड बी कनेक्टेड विद द इंटरनेट तो स्टूडेंट आज तक के लिए इतना ही फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक के बात करेंगे सेकेंड चैप्टर का ही चेंजिंग द टास्क सेटिंग्स और फिर हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पे चेंजिंग द स्टार्ट मेन्यू एंड चेंजिंग द माउस सेटिंग्स तो ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक होंगे तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए और इसको और कोशिश करिए ध्यान से और अच्छे से समझने की अगर आपको और भी ज़्यादा जानने की आ, है इच्छा तो आप जो है गूगल से भी हेल्प ले सकते हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा बिकॉज इफ़ यू सब्सक्राइब दिस माई चैनल तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट द नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन इन यूर मोबाइल ऑटोमेटिकली तो नाउ ओके बाय स्टूडेंट थैंक यू